नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता है हिमाचल पर। आज है 6 अप्रैल 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से ये वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप पर जरूर शेयर करें। इस है आज की सबसे बड़ी खबरें। पेप लीक मामले में गिरफ्तार एसपी एसएससी के पूर्व सचिव को मिला 6 दिन का पुलिस रिमांड। पेप लीक मामला आने के बाद भंग हो चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सचिव एवं एचएस अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कंवर को गिरफ्तार करने के बाद बुधवार को हमीरपुर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। अब 10 अप्रैल को आरोपी पूर्व सचिव को दोबारा न्यायालय में पेश किया जाएगा। एसआईटी ने अभी तक कोर्ट को 965 जेओआईटी पेप लीक मामले में उन्हें आरोपी बनाया है। डॉक्टर जितेंद्र कंवर आयोग में सचिव के अलावा परीक्षा नियंत्रक और भारतीय रिकॉर्ड के कस्टोडियन भी थे। इस मामले में 23 दिसंबर 2022 को हमीरपुर बिजनेस थाना में एफआईआर दर्ज हुई थी। बाजार सत्र पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह बोले, मनरेगा से संबंधित शिकायतों को प्राथमिकता से करेंगे निपटारा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि मनरेगा से संबंधित शिकायतों का सरकार प्राथमिकता से निपटारा करेगी। जिला उपायुक्तों से मंजूरी के बाद 20 से अधिक कार्य मनरेगा में हो पाएंगे। केंद्र से मनरेगा कामगारों का भुगतान लंबित नहीं है। प्रदेश मुख्यालय से अधिकारियों की टीम मनरेगा के कामों की गुणवत्ता जांचेगी और इसके बाद कार्यवाही होगी। भर्तियां करवाने के लिए 3 महीने में बनेगा नया कमीशन, हमीरपुर में ही होगा दफ्तर। सीएम सुक्कू का बड़ा ऐलान। जेआईटी पब्लिक मामले में भांग किए गए कर्मचारी चयन आयोग की जगह आप प्रदेश में जल्द ही भर्तियां करवाने के लिए नया कमीशन बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री सुक्कू ने बुधवार को सदन में ऐलान किया कि भर्तियां करवाने के लिए नया चयन आयोग पूरी तरह से पारदर्शी होगा और पेपलिक की संभावना भी खत्म होगी। 3 महीने में नया आयोग बनेगा जिसका दफ्तर हमीरपुर जिला में ही होगा। नाम नया होगा और जो कर्मचारी अभी आयोग में थे उन्हें नए आयोग में नियुक्ति नहीं मिलेगी। इसमें पेपर न होने से ओवरेज हुए युवाओं को छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने सदन में कहा कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भंग करने का फैसला हजारों युवाओं के भविष्य को देखकर लिया गया था। बेरोजगार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। सीएम ने कहा कि पेपलिक के मामलों को हमारी सरकार ने गंभीरता से लिया है। जिन अन्य मामलों में भी गड़बड़ी होगी उनमें भी जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़ेंगे। पेपलिक मामले में भाजपा के सदस्यों के हाथ भी रंगे हुए हैं। भाजपा के शासनकाल में पेपलिक की घटनाएं बढ़ी है। जेआईटी के अलावा केएन ने पेपर भी बेचे गए हैं। पेपलिक मामले में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम सुक्कू ने जताई चिंता, लोगों से मास्क पहनने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य के लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर मास्क पहनने का आग्रह किया है ताकि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। 1300 करोड़ के घाटे में एचआरडीसी कर्मचारियों की देनदारियों में 500 करोड़ बकाया, 100 रूट किए बंद। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बुधवार को विधानसभा में बताया कि कोविड महामारी के दौरान घाटे में चल रहे 100 बस रूट बंद कर दिए गए हैं क्योंकि हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरडीसी के लिए उन्हें संचालित करना ठीक नहीं था। विधायक विनोद सुल्तानपुरी द्वारा उठाए गए प्रश्न का उत्तर देते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश ने सदन को सूचित किया कि केवल मनाली मणिकर्ण एचआरडीसी मार्ग को कोविड महामारी के दौरान बंद कर दिया गया था जिसे एचआरडीसी द्वारा बहाल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कसौली में जल्द ही 10 पुरानी बसें बदली जाएगी लेकिन घाटे वाले रूटों पर नहीं चलाई जा सकती है। निराश्रित बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ उत्सव भत्ता भी देगी सरकार, आवासीय अनुदान भी मिलेगा। राज्य सरकार निराश्रित बच्चों को संरक्षण देने के साथ उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बुधवार को विधानसभा में हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय विधेयक 2023 प्रस्तुत किया। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार निराश्रित बच्चों को सरकार उच्च शिक्षा के अलावा उत्सव भत्ता भी देगी। ऐसे बच्चों के जमा खाते खोले जाएंगे। इन्हें राज्य के भीतर एवं बाहर भ्रमण पर भी ले जाया जाएगा। सरकारी माता एवं पिता की भूमिका में रहेगी। सरकार निराश्रितों को मकान बनाने के लिए 3 बिस्व सरकारी भूमि और आवासीय अनुदान भी देगी। ऐसे बच्चों के लिए 101 करोड़ से सुखाश्रय कोष बनाया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा के साथ चलने के लिए कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की गुटबाजी आई सामने।
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंद्रनगर के राज्य स्तरीय देवता मेले में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के सामने पार्टी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। मेले की आखिरी जलेब में प्रतिभा के साथ चलने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गुटबाजी सामने आई। कार्यकर्ताओं में पहले का सुनी हुई और फिर धक्का मुक्की होती। विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस ने प्रतिभा को भीड़ के बीच से सुरक्षित निकाला। पशुपालन एवं मत्स्य गतिविधियों के लिए भी अब इस्तेमाल होगा किसान क्रेडिट कार्ड, बैठक में फैसला। हिमाचल प्रदेश में अब पशुपालन और मत्स्य गतिविधियों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल होगा। केंद्र सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड का दायरा बढ़ा दिया है। बुधवार को राजधानी शिमला में 167वीं राज्य स्तरीय बैंक समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यूको बैंक के कार्यकारी निदेशक राजेंद्र कुमार साबू ने ये जानकारी दी है। कर्मचारी भविष्य निधि फंड समय पर जमा नहीं करवाने वाले निजी कॉलेजों को हिमाचल हाईकोर्ट से बड़ी राहत। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारी भविष्य निधि फंड समय पर जमा न करवाने वाले निजी कॉलेज को बड़ी राहत दी है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने कॉलेज पर लगाए गए 64,32,000 रुपए जुर्माने के आदेशों को निरस्त किया है। इसके साथ ही अदालत ने 31,32,000 रुपए ब्याज देने के आदेशों को भी रद्द कर दिया है। अदालत ने कर्मचारी भविष्य निधि फंड आयोग को आदेश दिए कि वे कॉलेज पर जुर्माना लगाने के बारे में दोबारा आदेश पारित करें। विधानसभा सत्र मुकेश अग्निहोत्री बोले, हिमाचल में निजी वास मालिकों को देंगे 500 नए रूट। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही निजी वास मालिकों को 500 नए रूट दिए जाएंगे। बुधवार को सदन में प्रश्नकाल के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में इसका उल्लेख किया है। ई बसों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार बसों की खरीद के लिए सब्सिडी भी देगी। नगर निगम बाड़ों को घटाने के विधेयक पर सुक्कू जयराम में नोकझोंक, विपक्ष का वॉकआउट। नगर निगम बाड़ों को घटाने के विधेयक पर बुधवार को सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू और नेता प्रतिपक्ष जयराम के बीच नोकझोंक हुई। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद सरकार की व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि नगर निगम शिमला के चुनाव घोषित होने के बाद बाड़ों को कम करने का विधेयक लाया गया है। उन्होंने बाड़ से इस विधेयक पारित करने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष की गैर हाजिरी में बाड़ों की संख्या 41 से घटाकर 34 की गई। इस बारे में अध्यादेश लाकर पहले ये बाड़ घटा दिए गए। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने सदन में हंगामा किया। करीब 20 मिनट तक हंगामा करने के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। हिमाचल में 399 नए कोरोना के मरीज, सक्रिय मामलों की संख्या 1705 के पार। हिमाचल में प्रतिदिन बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर सरकार ने अलर्ट जारी किया है। बुधवार को प्रदेश के अस्पतालों में 4,734 लोगों के सैंपल लिए गए। इनमें 399 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। हिमाचल में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 1705 पहुंच गया है। इधर स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में मास्क पहनने को कहा है। वेदर अपडेट, हिमाचल में 6 दिन मौसम साफ रहने के आसार, तापमान में बढ़ोतरी की संभावना। हिमाचल प्रदेश में 6 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 11 अप्रैल तक मौसम साफ रहने के आसार है। हालांकि 6 और 9 अप्रैल को मध्य और उच्च पर्वतीय एक दो स्थानों पर बारिश बर्फबारी हो सकती है। धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई और लोगों को ठंड से राहत मिली है। मौसम खुलने से किसानों और बागवानों ने भी राहत की सांस ली है। प्रदेश में लगातार बारिश बर्फबारी से गिर रहे तापमान का विपरीत असर नकदी फसलों के अलावा गेहूं और आलू पर पड़ने लगा था। अब सेब की फ्लावरिंग के भी रफ्तार पकने की संभावना है। हमीरपुर में अमृतसर के व्यापारी से पकड़ा 1,10,00,000 का सोना, विभाग ने 16,00,000 रुपए का जुर्माना। आबकारी एवं कराधान विभाग हमीरपुर की टीम ने अमृतसर के कारोबारी से बिना दस्तावेज का 1,00,00,000 का सोना पकड़ा है। विभाग ने उक्त कारोबारी को 6,50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। पकड़े गए सोने का वजन 2 किलोग्राम है। चंबा में दिव्यांग बच्ची के खाते से निकाली पेंशन, विभाग ने डाकपाल किया सस्पेंड। चंबा जिले के झुमार क्षेत्र में एक 8 वर्षीय दिव्यांग बच्ची के खाते से पेंशन निकालने की शिकायत पर डाक विभाग ने संबंधित विभाग के डाकपाल को सस्पेंड कर दिया है। इसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बीते सप्ताह ही डाक विभाग को बच्ची के खाते से पैसे निकाले जाने की शिकायत मिली थी। डाक विभाग से पूर्व दिव्यांग बच्ची के परिजनों ने चाइल्ड लाइन और एसटीएम से इस बारे में शिकायत की थी। बीते वर्ष 2021-22 के दौरान सरकार 15वें वित्त आयोग के निर्धारित लक्ष्य के भीतर कुल बकाया ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात को नियंत्रित करने में असमर्थ रही है। हालांकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का राजस्व एवं राजकोषीय घाटा 15वें वित्त आयोग की ओर से निर्धारित स्तरों पर बजट अनुमानों से निर्धारित लक्ष्य के भीतर आया है।
ये खुलासा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से बुधवार को सदन के पटल पर रखी कैग रिपोर्ट में हुआ है। राहुल की सदस्यता रद्द होने के विरोध में कांग्रेस ने अम्बेडकर की प्रतिमा के आगे दिया धरना। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के विरोध में कांग्रेस ने बुधवार को राजधानी शिमला के जोड़ा मैदान स्थित बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के आगे धरना दिया। इस दौरान केंद्र सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया गया। विरोध प्रदर्शन में मुख्य संसदीय सचिव और विधायक भी शामिल हुए। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप कहां से ये वीडियो देख रहे थे वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। क्या आप डेली हमारी वीडियोस को देखते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। और जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आती वीडियोस की वो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक छोटी सी बेल आइकन आएगी घंटी, उसको आप प्रेस करके पहले नंबर पर ऑल पर आप क्लिक कर देना, सेट कर देना उसको। उसके बाद जैसे ही कोई जानकारी अपडेट्स हम आपको देती है उसकी जानकारी अपडेट्स सबसे पहले आपके फ़ोन पर आएगी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।